वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और आज मैं आपको सिखाऊंगी आलू पूरी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें चाहिए ये दो बॉयल पोटैटो, गेहूं का आटा, चावल का आटा, बेसन का आटा। टोमेटो चटनी के लिए हम यूज़ करेंगे, पूरी में नहीं करेंगे। 10 से 12 कटी हरी मिर्चें, लहसुन 1 से 1.5 गड्डी, एक बाउल ये कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया बोलते हैं उसको, ये जीरा मैंने यहाँ पे लिया 1 चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और चीनी 1 चम्मच। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम पूड़ी के लिए ये मिर्ची और इसका मिश्रण तैयार कर लेते हैं कूट के। थोड़े से मैंने लिए है हरी मिर्च, थोड़े से मैं डालूँगी इसमें हरे धनिया, ये डालूंगी मैं जीरा, थोड़े से लहसुन डालूंगी, इतने मैं रखूंगी चटनी के लिए क्योंकि हमें इसके साथ ग्रीन चटनी बनानी है टमाटर के साथ, तो ये मैं पीस लूंगी पहले। तो ये अब रेडी है। अब हम पूड़ी का आटा तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने आलूओं को स्मैश करके रखा हुआ है यहाँ पे। अब हम इसमें डालेंगे ये जो मिश्रण हमने तैयार किया है वो डालेंगे, हरी ग्रीन चटनी। अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा, अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा, हम थोड़ा ही लेंगे पहले, ज़्यादा नहीं लेंगे। अब ये डालेंगे हम चने का आटा, फ्रेंड्स अब इसमें डालेंगे हम ये हल्दी पाउडर, इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार मैं नमक डालूंगी इसमें। अब मैं इसमें आधी चीनी डालूंगी, आधी से थोड़ी ज़्यादा डालूंगी, बस हो जाएगी, हमें इतनी चीनी चाहिए। अब थोड़ा सा पानी लगा के मैं इस आटे को तैयार करूंगी। इसको हमें सख्त गूंथना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, नहीं तो हमारी पूड़ी तेल पकड़ेंगी, इसलिए इसको मैं सख्त गूंथने वाली हूँ। हमारा पूड़ी का आटा रेडी है, तो अब इसको हम साइड में रखेंगे और तब तक हम इसके साथ खाने वाली चटनी बना लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊं। फ्रेंड्स अब इसी मिक्सर के जार में हम लेंगे ये कटी हरी मिर्चें, जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप ले सकती हैं, मैंने थोड़ी सी ली है। ये पूरी हरी धनिया ले लेंगे अब हम इसमें, ये थोड़े से लहसुन, नमक स्वाद के अनुसार मैं डालूंगी इस चटनी में, इसमें से थोड़ी सी चीनी इसमें हम डालेंगे क्योंकि ये बैलेंस करेगी टमाटर की खटास को। और ये एक कटा हुआ टमाटर मैं ले रही हूँ और इसको मैं बारीक पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी टमाटर और धनिए की चटनी रेडी है। अब हम फटाफट पूड़ियाँ बेल लेते हैं। हम इस इन गोलों को ऑयल लगा के बेलेंगे, आटा नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये हमारी ऑयल ख़राब कर देगी। और ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म करना रखा, फटाफट बेल लेते हैं। ये नाश्ता आप संडे मॉर्निंग को फटाफट बना सकते हैं, बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। टमाटर की चटनी के साथ तो बहुत स्वाद देता है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। चावल के आटे की वजह से ये पूरियाँ एकदम खस्ती लगती हैं और ज़्यादा ऑयल भी नहीं पकड़ती हैं, तो आप चावल का आटा ज़रूर यूज़ कीजिए। और अगर किसी के घर में चावल का आटा नहीं भी हो तो उसकी बजाय आप ज्वार का आटा यूज़ कर सकते हैं, इसमें वो भी उतना ही टेस्टी लगता है और
पूड़िया खस्ती बनती है उससे। फ्रेंड्स रेडी है हमारी गर्मा गर्म आलू की पूड़ी टमाटर और कोरिएंडर की चटनी के साथ, तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए। तो कैसी लगी आपको आलू की पूड़ी? आप भी इसको ज़रूर बनाइए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली बार फिर से मिलूंगी आपसे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।